going to Whistler in snow. Vancouver में इतनी ज़्यादा स्नो नहीं होती है, तो हम लोग जा रहे हैं इस बार Whistler स्नो देखने. आई डोंट नो कि हम वहाँ पे जाके स्कीइंग करेंगे कि नहीं करेंगे, बट या आई नो डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है. और वहाँ पे हमने एक दिन का रात का स्टे लिया है एंड हम कल मॉर्निंग वापस आएंगे. सो Whistler पहुँच के हम आपको वहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं और हम भी फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाके स्नो की ब्यूटी देखते हैं. टिल देन बाय बाय, और वहाँ पे पहुँच के आपको भी दिखाएंगे. बाय बाय. सो अभी हम यहाँ पे एक स्टॉप पड़ा है, जिनको यहाँ पे उतरना है वो यहाँ पे उतरेंगे. दिस इज द प्लेस कॉल्ड Squamish एंड हमें और अभी आगे जाना है. वैनकूवर से ये जगह आई गेस हम अभी 45 मिनट्स हुए हैं हमें बैठे हुए एंड ये प्लेस आ गई है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेस एंड आई नो फोन से नहीं दिख सकती इतनी अच्छी जगह, बट बिलीव मी दिस इज सीरियसली ऑसम प्लेस टू विजिट. सो दिस इज़ अ स्मॉल क्लिप ऑफ Squamish जहाँ पे अभी बस रुकी थी. तो यहाँ पे हमारा ड्रॉप नहीं था इसलिए हम नीचे नहीं उतर सकते थे. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज लिटिल बिट ऑफ द सीनिक ब्यूटी ऑफ Squamish. एंड यहाँ पे जो छोटे छोटे लेक्स हैं वहाँ पे लोगों के घर हैं एंड दीज पीपल आर सीरियसली लिविंग इन हेवन बिकॉज यहाँ पे माउंटेन्स हैं, देर आर लॉट ऑफ ट्रीज, लेक्स, इस मौसम में यहाँ पे स्नो भी है. प्लेस Whistler क्रीक साइड एंड ब्यूटिफुल. वाओ. आफ्टर दिस Whistler क्रीक इसके बाद अब हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमें जाना है एंड दैट इज Whistler विलेज मेन गेटवे. और जब यहाँ पे ही स्नोफॉल होने लग गई तो ऑब्वियसली वहाँ तो होगी ही होगी. So this is the place. Naisha, hi. 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 And I wanted to see कि यहाँ पे हम लोग के shoes slip होंगे कि नहीं होंगे, because we are wearing these kind of not just normal shoes. We actually we were not having those snow shoes. So I am not sure ki hum yahan pe fislenge ki nahi fislenge, safely chal payenge ki nahi chal payenge. But yeah, it's so awesome. See this. This is so good. So this was the bus जिससे हम आए हैं. Services was very normal, although कुछ provide नहीं किया है, but हाँ it was a very smooth drive and bus was good. And see the location. लोग यहाँ पे बहुत तैयारी के साथ आए हैं. हम यहाँ पे नए थे तो हमें तो कुछ पता भी नहीं था. हम बस मुंह उठा के आ गए हैं. बल्ले बल्ले. हम लोग को यहाँ पे इतना मजा आ रहा है कि हमने यहाँ पे अपना लगेज छोड़ दिया और हम अपना पूरा घूम रहे हैं मजे से. मेरे हस्बैंड वहाँ पे अपनी
मम्मा को वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं, लोग अपना बस घूम रहे हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है लगेज से। और अब हम यहाँ से अपने, हमारा हार्डली 2 मिनट की वॉक पे ही होटल है, वहाँ पे बस जाके हम अपना लगेज रख देंगे एंड फिर घूमेंगे। सामान हम लोग वहीं छोड़ के आए हैं। पता है होटल, अरे पर्स मत छोड़िए अपना, जिसमें पैसे हैं वो मत छोड़िए, बाकी तैयारी कर रहे हैं और ये प्यारी प्यारी सी फ्लरीज हो रही हैं एंड इन पेड़ों पे लाइट्स लगी हुई हैं, तो जब ये रात हो जाएगी ना तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली है जगह। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे आके आप लोग को दिखाने वाली हूँ, लुक एट दिस। है ना ये खूबसूरत। मेरा हमेशा से ये मन होता था कि मैं ऐसे ये गिरती हुई वाली बर्फ़ देखूं, बिकॉज ऐसे पड़ी हुई जो जमी हुई सी बर्फ़ होती है वो आई हैव ऑलरेडी सीन इन लाइक शिमला एंड मनाली, बट यहाँ पे ये गिरती हुई वाली बर्फ़ का मज़ा ही सीरियसली कुछ और है। आना ज़रूर यार आप लोग जब भी यहाँ पे वैंकूवर आओ तो विस्लर तो आना, खूबसूरत जगह है बहुत ज़्यादा। एंड इन शूज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही जो शूज़ हम लोग पहन के आए हैं, आई थिंक बिकॉज ये स्नो अभी ना ऐसे जमी नहीं है तो इसलिए अभी यहाँ पे इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट अगर यही स्नो जम के आइस बन जाए तो डेफिनेटली इस पर बहुत दिक्कत होने वाली है। And this is our hotel, Hotel Tantalus Resort Lodge. Lodge लिखा है तो ये मत समझना कि कोई बहुत ही बेकार प्रॉपर्टी होगी, अच्छी प्रॉपर्टी होगी ये। I don't know. I think हमें आगे से ही घूम के वहाँ पे जाना है। I guess आगे से ही था, वही वाला रास्ता सीधा ना। I don't know यार। चलो लेट्स गो एंड आस्क देम।